है नीचे क्या करा करो सब आएंगे तो कार से सब फोटो अपॉर्चुनिटी होगा ठीक है ना मैसेज है सारे वैसे वैसे करेंगे सब आने थे एक कॉल पर तो सारे सेवन थे के अच्छा है अरे रुक जा रुक जा आ रहे हो Ah, that's a bit. Come, come. This is much better. Yeah, come, come. Come, come. I guess I'll see you there. So one more yeah. Everybody smile, you are ready. Yellow Mara by Babu Mara.
अरे बाबू ने कौन आ अरे मिल ले रहा भाई, थोड़ा आओ ना पीछे, अश्विनी थोड़ा आओ ना, समित आ जा, समित काम करवा रही दिखा ना इनको। हाँ दिखाएंगे यामी जी दिखाओ। हाँ अरे दिखाना भी है, इलेक्शन भी आना है। साथ पे साथ पे साथ पे मैडम 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 लुक किया लुक किया मैडम जस्ट लुक किया प्लीज। अरे रुको रुको साथ में होएंगे। विकी सर दोनों साथ में आओ ना। मैडम one picture. Yeah. I know you perfect. Eyes closed. Take one. Just one. Yeah, okay. Yeah, look here. I got me. Full kandhe pe sofa de diya maine. Kon hai? Aapko thoda niche kar lo. Just look here. Just turn this way. Madam, please. Hey, look. हाँ दोनों एक साथ दिखाओ। दोनों एक साथ दिखाओ। पार्टी आ रहे हैं। यार। जगह दे यस सर लुक क्या? पूरा आगे घुस गया। थैंक यू यार। आज की स्क्रीनिंग आर्मी वालों के लिए रखी गई है, हमारी फिल्म आर्मी वालों के लिए बनी गई है, तो उन्हें के लिए ट्रिब्यूट है, तो खुशी होती है कि वो अब देखने आ रहे हैं। ये हमारा लिटमस टेस्ट है। आदित्य शुरुआत से ये कहते आए हैं कि ये सिर्फ ऑडियंस के लिए ही नहीं, ये एक ऐसी फिल्म हो कि आर्मी भी जब देखे तो उन्हें फख्र महसूस हो, गर्व महसूस हो, उन्हें लगे कि एक फिल्म बनी है जो उनकी ज़िंदगी को ऑथेंटिसिटी के साथ दिखा रही है। तो हमारी तरफ से एक छोटी कोशिश है, ट्रिब्यूट है, एंड वी रियली हैव अ फिंगर्स क्रॉस कि उनको एक फिल्म पसंद आती है। या भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी बहुत बहुत एक अच्छे नोट पे शुरुआत हुई है। जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब ट्वीट्स पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एज विकी सेड, एज आदित्य हैज सेड, दिस फिल्म इज समथिंग इज फॉर एवरीबडी, इज फॉर द ऑडियंसेज, बट स्पेशली द वैलिडेशन जब वो आर्मी से आता है या आर्मी से आ रहा है ऑलरेडी, बहुत बहुत खुशी हो रही है, तब बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और आज हम पर्सनली यहाँ पर आए हैं टू मीट एंड ग्रीट देम आईनॉक्स में, सो वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप अंदर भी गए, मिले भी सबसे, किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स उन्होंने दिए, क्या बोला उन्होंने? अच्छा लगता है जब कोई आर्मी वाला कहते हैं कि आर्मी वाले लग रहे थे आप, बहुत बड़ा वैलिडेशन होता ही है।
बहुत खून पसीना गया है वो अचीव करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो कुछ नहीं, हमारी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू ही है उनके एफर्ट्स को लेकर, और जितनी भी हम इस फिल्म में दिखा पाएँ ये शायद उनके एफर्ट्स का 10% भी नहीं है जो अपने वो रियल लाइफ में वो जितना इस देश को देते हैं और देशवासियों को देते हैं। तो अच्छा लगता है कि रियल हीरो फिल्म के फाइनली फिल्म देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल लगता है, और सबसे ज़्यादा खुशी होती है फिल्म के राइटर डायरेक्टर के लिए, क्योंकि वहाँ से मेहनत शुरू होती है। अगर ये सोचते ही नहीं, अगर ये रिसर्च करते ही नहीं, अगर वो जंतुजहद करते ही नहीं अकेले, तब तो कोई टीम भी नहीं होती है, ये वन मैन आर्मी चल रहे थे सारी रिसर्च के दौरान। तो अगर ये वो नहीं करते तो आज हमें ये मौका नहीं मिलता। तो थैंक यू आदित्य वो सारी मेहनत करने के लिए, थैंक यू आदित्य, और ये जो भी फल आएगा वो इन्हीं का है। मैं यही कहना चाहूँगी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली वी शुड बी थैंकिंग इंडियन आर्मी बिकॉज सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तभी ये फिल्म हुई, अगर वो नहीं होता तो शायद ये फिल्म भी नहीं हो पाती। जब फिल्म बन रही थी ऑफर आया था तो बड़ी एक्साइटमेंट थी जानने के लिए, इस देश का नागरिक होने के नाते बड़ी एक्साइटमेंट थी कि अच्छा हुआ क्या था, असलियत में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, प्लानिंग कैसे हुई थी, एग्जीक्यूट कैसे किया गया। ये तो सबको पता है कि वहाँ से ये मिशन ऐसा था कि जहाँ से देश का हर जवान जो गया था इस मिशन पे वो जिंदा वापस लौटा था, और ये बहुत गर्व की बात थी। इतना एफिशिएंटली एक मिलिट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था, पर वो किस तरीके से हुआ था, कितनी यूनिट साथ में मिली थी, इंटेलिजेंस, इसरो, DRDO, सब कुछ साथ में, आर्मी साथ में मिलकर उन्होंने ये किया था, तो वो कैसे किया था वो बड़ी जानने की रुचि थी। जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो और भी एक्साइटमेंट आ गई कि अब मैं किसको बताऊं ये कि मुझे पता है कि कैसे हुआ था। तो वी वर ऑल वेटिंग फॉर दिस डे जब दुनिया को पता लगेगा क्या हुआ है, और मेरी एनर्जी अब कंट्रोल नहीं हो पा रही, जोश मेरा छप्पर फाड़ चुका है। तो यार आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड कि इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला, और जब अब जो इनिशियल रिएक्शन भी आ रहा है लोगों का, बहुत प्यार मिल रहा है, सराहना मिल रही है, तो सचमुच बहुत स्पेशल फील हो रहा है। बातें फिल्म इंडस्ट्री के उद्धार के लिए भी थी और हमारी तरफ से कि हम क्या योगदान कर सकते हैं अगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की कभी किसी चीज़ की किसी कॉज के लिए ज़रूरत हो, तो कुछ कुछ मुद्दे डिस्कस हुए दोनों पार्टीज़ के उद्धार के लिए, और उसके उस पर डेवलपमेंट्स होंगी और वो जल्दी दिखाई देंगी। हाँ जी, हाँ जी, जैसे पिछली बार GST का हुआ था, इस बार एक वन विंडो परमिशन के लिए बात की गई है, और कुछ और मुद्दों पर भी बात की गई है, वो धीरे धीरे वो जैसे सही समय आता जाएगा उसके बारे में। कॉम्प्लीमेंट्स तो सभी को काफ़ी मिले हैं, लेकिन आज क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिला है, कोई एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपने आपकी फैमिली से मिले आप? आज पहला कॉम्प्लीमेंट तो आप ही लोगों से मिल गया कि जब हम उतरे गाड़ी से और आप ही ने पूछ लिया हाउ इज़ द जोश, तो वहीं जोश थोड़ा ऊपर हो गया हमारा। तो थैंक यू सो मच, और ख़ास शुक्रिया आप सबका, प्रमोशन बहुत मेहनत का काम होता है एक्टरों के लिए भी और कैमरा के पीछे जो आप लोग हैं उनके लिए भी। आप हमारे हमें फॉलो करते रहते हैं और यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ कोई टाइम का ठिकाना नहीं होता, तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा रिएक्शन है यार, अभी शुरुआत ही हुई है, पता नहीं देखते कैसा चलता है। तो सेम पता तो था कि एक ऐसी एक अच्छी फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं, एक जो बहुत ही सच्चाई बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ऐसी इंटेंशन के साथ बन रही है, तो ये ज़रूर पता था कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिल रहा है, वो जो सबसे ज़्यादा बतौर एक्टर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अब जब हम यहाँ पर हैं, वे वी आर सिटिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर रिलीज़ के दिन, और सब बहुत खुश हैं, सब में एक बहुत ही एक सेंस ऑफ रिलीफ है कि जैसे हम यहाँ पे आर्मी की स्क्रीनिंग के लिए हैं, उनको बहुत पसंद आई, हमें दिल्ली में भी वहाँ पर मिले थे आर्मी फैमिली से, उनको भी बहुत पसंद आई, तो बहुत अच्छा लग रहा है जब वो कह रहे हैं कि आप सब, कहानी बहुत बिलीवेबल है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, सब ने बहुत अच्छा काम किया, तो जब ये सब उनसे डायरेक्टली हम बात करके हम सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या फील हो रहा है इस सारी सफलताएं मिल गई, सब कुछ मिल गया, देखा जाए तो फिल्म एक काफ़ी सरियल फील हो रहा है। आज की स्क्रीनिंग के लिए स्पेशली मैं यूजुअली बाहर ज़्यादा नहीं निकलता हूँ, बट क्योंकि ये इंडियन आर्मी के लिए स्क्रीनिंग थी तो इसके लिए तो मुझे आना ही था। ये कितनी बड़ी बात है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि आदित्य धर अंधेरी में रहते हैं मेरे घर के बगल में बिल्कुल, आदित्य धर कभी घर से बाहर नहीं निकलते, उनका बस चलता पूरी फिल्म वो घर पे शूट कर लेते हैं, आज ये टाउन तक आए हैं,
मेट्रो यहाँ तक आए, आईनॉक्स तक आए, ये बहुत बड़ी बात है। ये फिल्म की सफलता ही इनको ला सकती है, इंडियन आर्मी ला सकती है, इंडियन आर्मी ला सकती है। पाकिस्तान में इंडियन टेलीविजन कंटेंट बंद कर दिया गया है, ट्वीट आया था, प्लस सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है, जो कि कल्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या मानते हैं इस बारे में? कुछ नहीं है, उनका कॉल है, उनका देश है, उनका ये बोलना कि कल्चर पे, उनके कल्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है इंडियन टेलीविजन की वजह से। देखिए, इतनी दूर यहाँ बैठ के कुछ राय देना, बस राय देने के लिए, वो भी सही बात नहीं होती है। वो अपने देश के उद्धार के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर उनको जो ठीक लगता है वो डिसीजंस लें, उनके सिविलियंस के हक में जो उनको लगता है जो भी डिसीजन सही है वो लें, और बाकी राय तो उनकी सिविलियंस की लेना ज़रूरी है। हम क्या बैठे बैठे यहाँ बोल रहे हैं? लेकिन आपको लगता है कि मतलब भारत में इंडियन कंटेंट जो है वो इतना मतलब ऐसा है कि मतलब कि वो कल्चर को चेक करता है? मुझे ऐसा लगता है इंडियन कंटेंट महान कंटेंट है, बहुत सही कंटेंट है, और असली कहानियाँ जताते हैं हम जो इस देश में होता है, जो इन परिवारों के यहाँ के जो परिवार हैं। और ऐसे नहीं कि हम पहले एक दौर था जब बाहर की कहानियाँ ज़्यादा बताते थे, अब चाहे वो यूपी की कहानी हो या हिंटरलैंड की जो कहानी होती है, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे साउथ की हो, हिंटरलैंड की कहानियाँ बाहर आ रही हैं, हिंटरलैंड के कैरेक्टर्स बाहर आ रहे हैं, और रिलेटेबल रियल कैरेक्टर्स बाहर आ रहे हैं, लोग रिलेट कर रहे हैं कि हाँ यार ये तो मेरे मोहल्ले की कहानी है, ये मेरे देश की कहानी है। तो मुझे लग रहा है हम एज अ सिनेमा, सिर्फ हिंदी सिनेमा ही नहीं, रीजनल सिनेमा को भी बहुत पावर मिल रहा है, और टुगेदर इस देश का सिनेमा बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। या भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं तो हिस्सा हूँ इस फ्रेटर्निटी का, मैं यहाँ काम करती हूँ, दिस इज़ माय, जिसे हिंदी में बोलते हैं, कर्म भूमि है, तो आई वर्शिप इट, आई रिस्पेक्ट इट अ लॉट, और आई थिंक जैसे विकी ने कहा, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा काम हो रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ फिल्म कॉल्ड उरी, जो भी जो जिस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं कि एक अच्छा कॉन्टेंट, एक अच्छा सब्जेक्ट, एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट, और एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ एक फिल्म, जो चाहे हमारा कल्चर हो, चाहे हमारा वर्क कल्चर हो, चाहे हमारी इंडियन आर्मी है जो कोर है हमारे देश का, उन्हें दर्शाता है। सो आई थिंक दिस इज़ इन फैक्ट रादर वेरी वेरी गुड टाइम, एंड दिस क्वेश्चन आई फील इज़ रिगार्डलेस एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीबडी, एनी कंट्री फील्स फॉर वट एवर दे फील इज द बेस्ट वर्क फॉर देयर कंट्री। देखिए, अच्छा तो बहुत लगता है जब इतना प्यार मिलता है, अब इस फिल्म के लिए भी मिलना शुरू हुआ है तो अच्छा लगता है। एज एन एक्टर बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि यार आप और मेहनत करते रहो। सेलिब्रेशन ज़रूर होगी, पर अभी थोड़ी देर रुक के होगी, पहले ही दिन इतनी जल्दी सेलिब्रेशन करना बहुत जल्दी हो जाएगा, बट हाँ ये वीकेंड हम देख लेंगे, एंड देन इस हफ्ते अगले हफ्ते देखेंगे, साथ में मिलजुल कर कुछ कर लेंगे। थैंक यू सो मच। दिस पॉपकॉर्न आर अमेजिंग यार, रिकॉर्ड कर। किसको? इन लोग का। किसका? इन लोग का प्रॉपर बाइट नहीं हुआ है अभी, होने वाला नहीं बाइट, या कर नहीं देगी। अच्छा बाइक हुआ है, क्या बोला?
Yeah, yeah, yeah. Sir, yeah, okay. Thank you.